बड़वानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का मॉडल स्कूल को सजवानी शिफ्ट करने से नाराज छात्र छात्रा ने घेराव किया। बताया जा रहा है कि मॉडल स्कूल बड़वानी से ही नहीं सजवानी गांव से भी दूर है। 5 एकड़ में मॉडल स्कूल बना है। छात्र छात्राओं का कहना है कि अभी भी स्कूल में अपूर्ण व्यवस्था है। पिछले सत्र में सिर्फ एक दिन ही संचालित हुआ था स्कूल, फिर वापस बड़वानी शिफ्ट कर दिया गया। सजवानी के स्कूल के बीच लगभग 1 किलोमीटर का सुनसान रास्ता है, जिसे छात्राओं का परिवार व छात्रा नाराज है। कुछ छात्रा इतनी नाराज है कि उन्होंने धमकी तक दे डाली है कि अगर स्कूल शिफ्ट नहीं किया गया तो TC ले लेंगे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कभी स्कूल आपकी शिफ्ट होती तो हम यहाँ पे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी 4-5 दिन से, और कभी स्कूल सजाने में शिफ्ट हुई तो हमको TC चाहिए, और हम कोचिंग यहाँ करते, फिर कोचिंग करके फिर वहाँ जाए तो हम कोचिंग करें कि स्कूल करें, दोनों में से किसको करें। अगर शिफ्ट होगी तो क्या करूँगा आप सर? स्कूल में नहीं पढ़े करूँगा। हम बड़े छोड़ जाएंगे। क्या क्या समस्या है वहाँ पे सजवानी? वहाँ पे पानी भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, हॉस्टल की सुविधा नहीं है। कितने दूर पड़ता है गाँव से किसी दूर सजवानी? ये सारे बच्चे मॉडल स्कूल बड़वानी के बच्चे हैं। कुल संख्या 252 है, और ये बच्चे चाहते हैं कि जो इनका नया बिल्डिंग मॉडल स्कूल का 297 लाख का बना हुआ है, उसमें केवल 7 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से नहीं जाए, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित बिल्डिंग है, यहाँ पर अभी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। और आज ये इसी बात को लेकर विरोध दर्ज कराने आए हैं कि हम उस नए बिल्डिंग में नहीं जाएं और वहाँ पर नहीं बैठें। यदि बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं, विगत 2 साल से बिल्डिंग बनकर तैयार है और पानी को छोड़कर काफी सुविधाएं हैं वहाँ पर, और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ऐसी स्थिति में यदि बच्चों को वहां पर शिफ्ट नहीं किया गया तो वो बिल्डिंग खंडर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कांच, खिड़कियां, पल्ले वगैरह, उसके पाइप, ये असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिए गए हैं। वहां पर अभी शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं है, और कुछ समय में संभावना है कि वहां पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आज तक बिल्डिंग उत्कृष्ट के साथ लग रहा है, बच्चे यहां पर हैं, और बच्चों को अगर शिफ्ट नहीं किया गया और बिल्डिंग खत्म हो गया तो इसकी जिम्मेदारी पूरी इस कार्यालय के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो आज आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे किसी के बहकावे में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, तो इस तरह का जो काम है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम बच्चों को शिफ्ट किसी भी हालत में कराएंगे, और कलेक्टर महोदय वहाँ पर 2 बार विजिट कराए हैं। कलेक्टर महोदय का मुझे भी और संबंधित प्राचार्य को भी निर्देश है कि सारी सुविधाएं के उपरांत बच्चों को वहां पर शिफ्ट किया जाए। जैसा कि अभी आपने बताया वहां टीचर नहीं है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सारी स्कूलें बड़वानी जिले की लगभग 1000 प्राइमरी मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक बिल्कुल नहीं है, 0 टीचर्स हैं, वो भी स्कूलें चल रही हैं। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल जहां पर टीचर्स की संख्या बहुत कम है या 1 या 2 है, वहां पर भी स्कूलें चल रही है। तो यहां भी हमारा मॉडल स्कूल अतिथि और 2 उत्कृष्ट जो टीचर्स हैं उनके सहयोग से चलेगा। हमारा रिजल्ट इस साल का 100% रहा है, और बच्चे वहां पर शिफ्ट होने के बाद भी 100% हमारा रिजल्ट रहेगा। क्या आप माना राजनीति हो रही है इसमें? ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आज के जो बच्चे जिस भाषा को बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या कोई किन्हीं के द्वारा बच्चों को बहका कर यहां पर लाया गया है, जो गलत है। क्या आप आगे क्या करेंगे अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जैसा वो बोल रहे हैं? बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो बिल्डिंग का नुकसान होगा। आने वाला अगर हॉस्टल है, हॉस्टल की स्वीकृति होना है इतने बड़े बिल्डिंग की, तो वो भी स्वीकृत नहीं होगा। इसलिए हमारे विभाग का भी नुकसान है, बिल्डिंग का नुकसान है, और वो बेकार चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रतलाम जिले के